सो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसे का है। मैं रजत गावड़े स्वागत करता हूं आपका आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन के एक नई वीडियो के अंदर। तो अभी तक देखा जाए हम लोगों ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर हमने मैनेजमेंट ऐसे साइंस आर्ट प्रोफेशन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को भी पूरा अच्छे से निचोड़ दिया है। अब बारी है अगले टॉपिक को करने की जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी मैनेजमेंट की आइए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है हेल्पिंग अचीविंग ग्रुप गोल का अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गोल भी कहता हूँ तब भी इसके अंदर कोई गलत नहीं होती। यहाँ पे हम इसे ग्रुप गोल कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल कह रहे हैं। पूनम गांधी में ऑर्गेनाइजेशन गोल लिखा हुआ है तो उस चीज के ऊपर तो हेल्पिंग अचीविंग ग्रुप गोल या फिर हम इसे क्या कहें ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैंने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको एक चीज सिखाई थी। क्या चीज सिखाई थी सर आपने वहां पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का कंसेप्ट सिखाया था। मैंने कहा इफेक्टिव टी यहाँ पे किस चीज को रेफर करते हैं टाइम को, यानी कि जो भी आपको कार्य दिया गया है उस कार्य को आप जो निर्धारित समय आपको दिया गया उसी निर्धारित समय के अंदर आप उस काम को करते हो। मैंने फिर दूसरा क्या कंसेप्ट सिखाया था एफिशिएंसी सी सी का यहाँ पे क्या मतलब था कॉस्ट का मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो भी आपको काम दिया जाता है उसे आप मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ पूरा करो। अगर देखा जाए ये दोनों चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट करती है यानी कि आपका जो काम है वो कम से कम कीमत के अंदर सही टाइम पे हो रहा है। अगर देखा जाए मैनेजमेंट को अगर हम सही टाइम पे करते हैं और सारे काम अगर सही कॉस्ट के अंदर होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं अपना ग्रुप गोल यानी कि जो भी हमारा ग्रुप गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वैसे देखा जाए मेन ग्रुप गोल क्या होता है क्लास में पढ़ गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं जब हम सारा काम टाइम पे करेंगे और सारा काम हम उनकी जो निर्धारित कॉस्ट है उसके अंदर ही करेंगे यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। तो हम इसके अंदर क्या कहते हैं देखिए मैनेजमेंट हेल्प्स टू डायरेक्ट द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल क्या हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर देखा जाए सारा काम अगर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कर हो रहा है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है अगर सारा काम सही समय से हो रहा है क्या हम अपनी कॉस्ट को घटा लेंगे। हाँ जी सर क्लास 11th के अंदर हम करके पीएनएल अकाउंट हम करके ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड आ जाता है ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस है आपके जो एक्सपेंसेस है आप उसे कम कर रहे हो तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा बढ़ेगा आपकी इंप्रूव होगी आपकी क्या एफिशिएंसी मतलब आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बढ़ेगा। हम इसके अंदर क्या कहते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एज अ रिजल्ट मैनेजमेंट हमें मदद करता है क्या इंप्रूव करने के लिए एफिशिएंसी एज अ रिजल्ट इसके अंदर क्या हो जाता है रिडक्शन इन कॉस्ट हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है कम हो जाती है इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। अब देखा जाए अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मान लेते हैं मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के अंदर एक्स अमाउंट ऑफ वेस्टेजेस करता था ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास एक मान लेते हैं यहाँ पे तो नहीं चलिए मान लेते हैं मेरे पास एक प्लास्टिक की सीट है मेरे पास क्या एक प्लास्टिक की यहाँ पे एक सीट है ठीक है। मुझे उस प्लास्टिक की सीट से कुछ एक आइटम बनाने होते हैं जैसे मान लेता हूँ प्लास्टिक का मेरे पास वो मोटा वाला प्लास्टिक है उससे मुझे वो एक वाटर बॉटल बनानी मुझे क्या बनानी है वहाँ पे वाटर बॉटल बनानी थी मुझे क्या बनानी थी एक वाटर बॉटल बनानी थी। मैं इसे पेंट के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पे अच्छी सी ड्राइंग बनेगी आइए देखते हैं पेंट कौन सा कलर लें आज ये तो यहाँ के लिए हो गए तो यहाँ पे ग्रीन अच्छा लगेगा ठीक है। अब मान लेते हैं ठीक है मैं ये हमारे पास क्या है यहाँ पे यहाँ पे एक प्लास्टिक की मेरे पास सीट्स हैं ठीक है इतने अमाउंट ऑफ सीट्स हैं मेरे पास और मुझे इन सीट्स की मदद से क्या बनाना होता है एक प्लास्टिक की बोतल का मुझे कंटेनर बनाना होता है मुझे एक प्लास्टिक की बोतल का कंटेनर बनाना होता है ठीक है। पहले अगर मेरे पास एक सीट थी मुझे इस बोतल के अंदर कन्वर्ट करनी होती थी मैं इसमें से इतना पार्ट को यूज करता था इतने को अब ये मेरी पार्ट जो था ये क्या हो जाता और मेरा इतना पार्ट हमेशा किस कैटेगरी में आ जाता था वेस्टेजेस की कैटेगरी में आ जाता था किसकी कैटेगरी में आता था इतना मेरा पार्ट हमेशा वेस्टेजेस की कैटेगरी में आता था इतना मेरा पार्ट किसमें आ गया वेस्टेजेस की कैटेगरी के अंदर। अब जब मैंने मेरी कॉस्ट को कम किया उससे क्या हुआ अब मेरा जो पार्ट जो वेस्टेजेस के अंदर पहले इतना जाता था अब वो पार्ट कितना जाने लग पड़ा वो इतना ही पार्ट जाने लग पड़ा इस सीट के अंदर सिर्फ इतना पार्ट यानी कि अब मैं इतने पार्ट को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। तो ये जो वेस्टेजेस है इससे क्या हो गई वेस्टेजेस हमारी कम हो गई इसके अंदर भी हम कहते हैं इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। अब इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी कैसे हुई देखिए अब पहले देखा जाए पहले मैं इतनी वेस्टेजेस करता था अब मेरी वेस्टेजेस जो है ना वो यहाँ तक इसे सीमित हो चुकी हैं अब मैं ज्यादा
अब मैं उसी क्वांटिटी से ज्यादा गुड्स बना सकता हूँ। याद रखना, मैं उसी क्वांटिटी से अब ज्यादा गुड्स बना सकता हूँ। जो मैं उसी क्वांटिटी में अब ज्यादा गुड्स बना सकता हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मेरी क्या हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और मिनिमम वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने कहा मिनिमम वेस्टेजेस होगी किस चीज की? आपके रिसोर्सेज की मिनिमम वेस्टेजेस होगी। आगे देखते हैं, हमारे पास अगला है हमारे पास क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने डायनेमिक का एक बार मतलब भी लिखा था, पिछली वीडियो में लिखा था मैं सबसे फीचर्स के अंदर। क्या मतलब होता है डायनेमिक का? मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। डायनेमिक का क्या मतलब कहा जाता है? डायनेमिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। लिख लो मेरे साथ साथ, ओके। जिन्होंने भी नोट्स के प्रिंट आउट नहीं निकलवाए हैं, मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, नोट्स फ्री है, कोई पैसे वैसे कुछ नहीं ले रहा मैं उसके, प्लीज फ्री है नोट्स ही तो डाउनलोड करने यार, नोट्स कर लो डाउनलोड, तुम्हारे ही भला इसके अंदर। चलो आ जाओ। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। तो अगर हम देखा जाए क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्या करता है? देखो क्रिएट डायनेमिक, हमारा हमें पता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंजिंग है, बार बार कभी कोई चीज हो जाती है, कभी कोई चीज हो जाती है, तो हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है? बार बार चेंज होता रहता है। तो हमारे अब देखा जाए COVID-19 आया, क्या सारे धंधे ठप पड़ गए? नहीं नहीं सर, COVID-19 आया, हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस किया। मैंने क्या, आप लोगों ने क्या, हमने अपने अंदर अकॉर्डिंगली चेंजेस करे एक्सटर्नल एनवायरमेंट को देख के। किसके अंदर चेंजेस किया? सर मैनेजमेंट के अंदर चेंज किया हम लोगों ने। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जब मैनेजमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, यानी कि बाहर जो भी सिचुएशन है उन सिचुएशन को स्टडी करके खुद के अंदर चेंजेस लेके आना। बाहर की जो सिचुएशन है, साथ साथ बोल, बाहर की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर क्या लेके आना? चेंजेस लेके आना। वही तो बात करते हैं हम। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज डायनेमिक, अगर एक्सटर्नल बाहरी एनवायरमेंट क्या है? डायनेमिक है। क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। देन देयर इज अ नीड, जब एक जरूरत है हमें टू मेक द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम चेंज करें किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन। किसकी मदद से कर पाएंगे? सर मैनेजमेंट की मदद से कर पाएंगे। इफ एम्प्लॉयज आर रेजिस्टेंट टू चेंज, देन मोटिवेट द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज एंड कन्विंस देम सो दैट दे अडैप्ट द चेंजेस। काफी बार ऐसा भी होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जैसे आप कोई चेंज लाना चाहते हैं, आपके एम्प्लॉयज कहने की नहीं सर आप जो चेंज लाना चाहते हैं वो हम इस चीज के अकॉर्डिंग अडैप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट का ये भी रोल होता है जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर हो रहा है उसके चेंजेस को इंप्लीमेंट करना। और अगर वो चेंजेस जब हम इंप्लाय कर रहे हैं, अगर जो एम्प्लॉयज है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंट टू चेंज, यानी कि वो उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पा रहा, उन्हें मोटिवेट करेंगे। हम संदीप महेश्वरी सर को बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे कि मोटिवेट करो, क्या करो इन्हें मोटिवेट करो, ताकि ये लोग जो है वो चेंजेस को क्या कर सके, अप्लाई कर सके, उन चेंजेस को अप्लाई कर सके, और जो फॉर्म के अकॉर्डिंग वो चल सके। अब आ जाते हैं हमारे चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट क्या हमारे पास? हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल। अब हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल। अब पर्सनल गोल किस तरीके से अचीव किए जाते हैं सर? अब पर्सनल गोल का यहाँ पे मतलब भी क्या होता है सबसे पहले वो जानिए। पर्सनल गोल का मतलब होता है मोर अर्निंग। अगर कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, अगर हम पूछें कि आपको क्या चाहिए, सब कहेंगे भैया सैलरी और बढ़ जाए। कितने की सैलरी है? 1 करोड़ है, 2 करोड़ हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, 10,000 वाले 12,000 हो जाए। यानी कि सबकी मेन तमन्ना क्या होती है? कि हमारी जो सैलरी है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। यानी कि मैं इसे एक चीज किससे क्लासीफाई कर सकता हूँ, क्या हम सबका कॉमन गोल है मोर अर्निंग से है? क्या हम सबका कॉमन गोल किससे रिलेटेड है? मोर अर्निंग से रिलेटेड है। हाँ जी सर बिल्कुल है। एक सेकंड में हम सबका कॉमन गोल किससे रिलेटेड है? मोर अर्निंग से। सबको क्या चाहिए? ज्यादा पैसा चाहिए सबको। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल का गोल क्या है? मोर अर्निंग, कि मुझे क्या चाहिए? ज्यादा पैसा चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। वो कह रहे हैं भैया आप प्रोडक्शन ज्यादा करो। आप क्या करो? प्रोडक्शन ज्यादा करो, आप मैक्सिमाइज करो। किस चीज को मैक्सिमाइज करो? प्रोडक्शन को। ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि आप मैक्सिमाइज करें किसे? प्रोडक्शन को। वही अगर इंडिविजुअल का गोल देखें, मेरा क्या गोल होगा? मोर अर्निंग। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन कह रही है भैया तू ज्यादा प्रोडक्शन कर, हम कह रहे हैं सरकार ज्यादा पैसा दो। ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहे हैं? तू ज्यादा काम कर, हम क्या कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को? कि भैया आप क्या करो, हमें ज्यादा सैलरी दो। मैनेजमेंट क्या कर रही है? एक बीच का रास्ता निकालते हैं ताकि ये भी दुखी ना हो, ये भी दुखी ना हो। जैसे कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? मोर प्रोडक्शन। हम कहेंगे आप ज्यादा प्रोड्यूस करो, आप ज्यादा प्रोड्यूस करो, आपको ज्यादा प्रोड्यूस करने पे ज्यादा अर्निंग्स होंगे। आपको ज्यादा प्रोड्यूस करने पे क्या होगी? ज्यादा अर्निंग्स होंगे। बंदा भी खुश कि यार देखो मुझे मोर अर्निंग्स मिल रही है। बंदा क्या कहेगा? मुझे मोर प्रोडक्शन मिल रही है। दोनों के गोल्स को क्या होगा? अचीव है। अगर मैनेजर कन्विंस इंडिविजुअल गोल इन सच अ वे दैट बोथ द गोल्स आर अचीव, मैनेजर हमेशा इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करेगा कि ना ही ऑर्गेनाइजेशन दुखी होगी, ना ही आपका एम्प्लॉय दुखी होगा। दोनों के दोनों क्या हो जाए? एक तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल के अंदर भी क्या करता है? हमारी मदद करता है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास। अगला पॉइंट क्या हमारे पास? हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के अंदर भी मैनेजमेंट काम करता है। सर किस तरीके से काम करता है? मैं कहता हूँ यहाँ देखो, एक बिजनेस जो है ना, आपकी जो मुकेश अंबानी जी जो है, जिनके मुंबई इंडियंस की टीम है, ठीक है,
अगर देखा जाए मुंबई इंडियंस भी बहुत बार अपने टीवी पर ऐड देखी होगी, कुछ सोशल इश्यूज के ऊपर काम करती है। अगर आपके पास अभी क्लासमेट की कॉपी है करेक्ट ना, तो उसे जरा पलटोगे ना तो यहाँ पे नीचे ना बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड नोट्स लिखा होगा। मेरे पास अभी है नहीं क्लासमेट की कॉपी, पर आपके पास अगर हो ना घर पे, उस क्लासमेट की कॉपी को जस्ट पलट के देखना कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। आप देखोगे कि सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, सोसाइटी को फेवर करते हैं। रतन टाटा सर सबसे बड़े एग्जाम्पल, कहते हैं ना कि क्या नाम रहता है, मेन्स अर्न इन डॉलर्स, मैन मतलब ऐसे था सॉरी, मैन जो है मैन था उसके अंदर कि अर्न्स इन बिलियंस, लेजेंड्स डोनेट इन बिलियंस। तो रतन टाटा सर ने इतने ज्यादा डोनेशन करी है, वो डोनेशन करते क्या है? रतन टाटा सर की बात नहीं कर रहा, वो तो चलो उनका अच्छी बात है, लेकिन ये जो बाकी के बिजनेसेस हैं ये क्यों डोनेट क्यों करती हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है उनके इमेज के ऊपर। अगर देखा जाए जो मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ताकि पॉजिटिव इफेक्ट पड़े किसके ऊपर, उनकी इमेज के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोसाइटी का भी तो भला करे। तो इसलिए हम कहते हैं हेल्प इन सॉरी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के नाम क्या कहते हैं कि बिजनेस अर्न यूजिंग सोसाइटी रिसोर्सेज। मैं आज बिजनेस हूँ, आज हम जो जियो कंपनी अंबानी साहब की, वो एक बिजनेस है। वो पैसा किससे कमा रहा है? हम लोगों से तो कमा रहे हैं, हम लोग ही तो पेड सब्सक्रिप्शन करें कि वो जो होता है जो हमारा पैकेज जो होता है उनका पैकेज मतलब जो होता है रिचार्ज, रिचार्ज हम मतलब हमारा कॉमन वर्ड है रिचार्ज, जो हम रिचार्ज करवाते हैं वो पैसे किसके पास जा रहे हैं? अंबानी साहब के पास ही तो जा रहे हैं। कि जो बिजनेस है वो किससे अर्न करता है? सोसाइटी के रिसोर्सेज से। अगर आज मैं बात करूँ मिल्टन की बॉटल, सेलो की बॉटल, ये कमा रही है हम लोगों के पैसे से, तो कमा रही है, हम लोग ही तो प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, तभी तो उनके पास पैसे जा रहे हैं। तो सप्लायर जो बिजनेस है वो किससे कमाई करता है? हम लोगों से कमाई करता है। तो बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसके प्रति? हम लोगों के प्रति बनती है। किसके प्रति बनती है? हम लोगों के प्रति बनती है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो देखिए। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स है, रीजनेबल प्राइसेस, कि आप अच्छे गुड्स बेचो। आप कैसे गुड्स बेचो? अच्छे गुड्स बेचो, पर एक प्राइस के ऊपर, रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस या जितना बनता है ना उतना ही दो। काफी कंपनियां ऐसी भी हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कंपनियां बहुत बढ़िया क्वालिटी के गुड्स देती है पर उसी टाइप की प्राइसिंग रखती है। तो एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए कि क्वालिटी एकदम दमदार प्रोवाइड करे, पर यार रीजनेबल प्राइस भी हो, यानी कि हम देखा जाए सब लोग उसे अफोर्ड कर सके, उस तरीके के प्राइस के ऊपर देना चाहिए। दूसरा, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। काफी बिजनेस फॉर्म्स है जो इस तरीके की एक्टिविटीज करती है, यानी कि आपने बहुत बार क्लास पहले वाली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो सीवेज है मतलब उन्हें मतलब हॉट वाटर डंप किया कर दिया जाता है रिवर्स के अंदर, जिनसे हमारे एक्वाटिक एनिमल्स है उन्हें बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। ये सारी प्रैक्टिस जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करती है। अगर देखा जाए कुछ ऐसी अगर कोई इंडस्ट्री है जिससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो उन सबको क्या करना चाहिए? इको फ्रेंडली मेथड्स। मैंने वापस क्या बोला? इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना चाहिए? इंप्लाई करना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है। तो अगर देखा जाए अगर बिजनेस ग्रो करता है तो बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा। पहले हम करते थे ना ना उसके अंदर की सर्वाइवल ग्रोथ एक्सपेंशन, उसके अंदर क्या बिजनेस क्या करेगा? एक्सपेंड करे। बिजनेस क्या करे? एक्सपेंड करे। अब अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने एक और ब्रांच खोली, मुझे उस ब्रांच के लिए क्या लगेंगे? इंप्लॉयज लगेंगे। क्या लगेंगे? इंप्लॉयज लगेंगे। इंप्लॉयज के लिए मैं क्या करूँगा? अपॉइंट करूंगा, यानी कि मैं क्या करूँगा उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या करूंगा मैं उन्हें? उन्हें मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगा। लास्ट पॉइंट आ जाए तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोग्राम। क्या ऑर्गेनाइज करना है? हेल्थ और एजुकेशनल प्रोग्राम। काफी बिजनेस फॉर्म जो है वो एक हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन ओके हेल्थ और एजुकेशनल प्रोग्राम्स करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आसपास के जो क्षेत्र हैं यानी कि बैकवर्ड एरियाज के अंदर वो पहुंच सके, ताकि लोगों को अवेयरनेस फैले इस चीज के बारे में। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। लास्ट पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास ब्रिंग हार्मनी इन वर्क। ब्रिंग हार्मनी इन वर्क। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास? ब्रिंग हार्मनी इन वर्क, ऊपर लिखा हुआ है। ब्रिंग हार्मनी इन वर्क, हार्मनी का क्या मतलब होता है सर? शांति, पीस। व्हाइट मेरे पास अभी कोई कपड़ा नहीं है, सफेद कलर का, ये रहा पीस। पीस एकदम ब्रिंग हार्मनी इन वर्क, यानी कि सरेंडर नहीं कर देना काम से, यानी कि हार्मनी यानी कि शांति से कार्य होना चाहिए, यानी कि आपका जो बिजनेस है होम का उसका जो एटमोसफेयर है बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़े वाला नहीं होना चाहिए, हार्मनी यानी कि शांत स्वभाव होना चाहिए। ये अब ये जो शांत स्वभाव का जो आपका बिजनेस फॉर्म है किसकी वजह से हो पाएगा? मैनेजमेंट की वजह से हो पाएगा। किसकी वजह से हो पाएगा? मैनेजमेंट की। सर मैनेजमेंट कैसे मदद करेगी? मैंने कहा कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? मैंने कहा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा मैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बस इसका छोटा सा हिंट है जो हम इस चैप्टर के अंदर अभी हम कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या कहते हैं इसके अंदर, एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ वर्किंग ओके क्रिएट्स कंफ्यूजन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर मान लेते हैं एक तमिल है,
एक पंजाबी है, टू स्टेट्स है ठीक है, एक तमिल है एक पंजाबी है। अब तमिल वाला कह रहा है, तमिल वाला अय्यर भाई की भाषा में बात कर रहा है, पंजाबी वाला सोडी भाजी की भाषा में बात कर रहा है, दोनों को समझ में नहीं आ रहा। एक अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग के लोग है, मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है। पंजाबी को लग रहा है वो मुझे गाली बोल रहा है, तमिल को लग रहा है अयो ये समझ में नहीं आता जी अयो तुम क्या बोलता, कुछ समझ में नहीं आ रहा दोनों को, क्या डिफरेंट बैकग्राउंड क्या है। अब मैं मान लेता हूँ कुछ डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, किसी को पसंद है कि यार मैं काम है ना जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ, क्यों काम जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा तो मैं जल्दी जा पाऊंगा। दूसरा बंदा क्या कह रहा है यार आराम से करेंगे ना, पूरा दिन पड़े थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं। दोनों के क्या है डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग है। क्या अगर देखा जाए तो तमिल वाला बंदा वो लड़ेगा नहीं सोरी पाजी के साथ, लड़ेगा यार ये तो हमको हमारे बात करना समझ में नहीं आता, उन दोनों की दूसरी बात क्या है समझ में नहीं आ रही। सिमिलरली जो बंदे हैं, अब एक बंदा क्या कह रहा है यार काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं यार, वो दूसरा कह रहा है ये अपनों को काम जल्दी नहीं कंप्लीट करना, अपने आराम से काम करेंगे, डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग है। अब देखा जाए क्या इनके बीच में लड़ाई हो सकती है, हाँ जी सर क्यों नहीं हो सकती। एक जना कह रहा है जल्दी काम करो, एक जना कह रहा है आराम से करो, एक जना पंजाबी विच बोल रहा है, एक जना तमिल विच बोल रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा, अपनी तरफ से असम्पशंस बनाए जा रहे। एक चैप्टर आता था आपके चैप्टर नंबर क्लास 8th के अंदर आता था, उसके अंदर भी आपने एक चैप्टर था कल की चैप्टर शायद ऐसा कुछ, उसके अंदर भी ऐसा कुछ होता है, अगर आपके स्कूल के अंदर वो बुक लगी हो तो फिर डेफिनेटली आपको पता होगा। उसके अंदर पता क्या होता था, उसके अंदर एक होता था एक फार्मर था, तो फिर उसकी दो भेड़े थी, तो फिर वो एक बार उसे बेचने गया तो एक फॉरनर आया, तो फॉरनर अपनी भाषा में बात कर रहा है या अपनी भाषा में बात कर रहा है, दोनों अपनी अपनी भाषा में बात तो कर रहे हैं। अब है कि वो सिर्फ एजम्पशंस के बेस पे चल रहा है, अब एजम्पशंस सही भी हो सकते हैं तो गलत भी हो सकती है। तो मैनेजर गिव ओके डायरेक्शन एंड ब्रिंग यूनिटी एंड हार्मनी इन वर्क। अब मैनेजर क्या करता है, अब ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो क्या कहता है, ये देखो जी तुम काम जल्दी करता, ये तुम काम धीरे धीरे करता करता, दोनों एक काम करो, दोनों एक एवरेज स्पीड पकड़ो, ताकि दोनों के बीच में क्या हो एक मेंटेन बैलेंस मेंटेन हो, यानी कि तू थोड़ा काम जल्दी कर भाई, भाई साहब थोड़ा काम धीरे कर लीजिए, दोनों के अंदर क्या हो बैलेंस लेके आना। ये कौन करती है, मैनेजमेंट ही करती है। तो ये तो थे आपके 6 के 6 इंपॉर्टेंस, तो अभी तक हमने 6 इंपॉर्टेंस कर चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंस, सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड बट डोंट ब्लेम माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस, और हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम 370 सब्सक्राइबर्स हैं, हम 400 का आंकड़ा बहुत जल्दी पार कर सकते हैं आप लोगों के आशीर्वाद के साथ। सो टिल देन सी यू गाइस एंड देखते रहिए तब तक हमारा द रंजित गावड़े शो यानी कि आनंद मोहन इंस्टीट्यूशन के साथ बने रहिए, हमारे परिवार का सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे AMI परिवार 370 लोगों का हो चुका है, जल्दी हम इसे AMI परिवार को 400 पार करने वाले हैं। तो टिल देन सी यू गाइस एंड टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन बट डोंट ब्लेम माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।